हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम अस्थमा के कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़, थायरॉयड, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, ऐसा डॉक्टर मानते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दो तीन ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अस्थमा को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारी सांस की नली होती है उसका कुछ चीज़ों के साथ में रिएक्शन डिसअप्रोप्रिएट हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी सांस की नली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो कंट्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से हमें सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। चेस्ट टाइटनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, विजिंग और कफिंग कुछ सिम्टम्स है अस्थमैटिक पेशेंट के। अब हम अस्थमा के कॉजेज की बात कर लेते हैं। एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है अस्थमा होने का। उसके अलावा जैसे जो फैक्ट्रीज होती है, जो वर्क प्लेस होती है, वहाँ पर जो कुछ ऐसे केमिकल इरिटेंट्स होते हैं, कुछ फ्यूम्स होते हैं, कुछ डस्ट होते हैं, उनकी वजह से भी अस्थमा होता है लोगों को। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी अस्थमा होता है। तो ये तो थे कुछ कॉजेज अस्थमा के। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में आपको चार ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगी जिनको यूज करके आप अस्थमा को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। जी हाँ, कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो सप्लीमेंट है वो है मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल। वाइटामिन मल्टी मिनरल जो है कि आपकी बॉडी में जो वीकनेस है, मतलब जो एक अस्थमेटिक पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो आपकी वीकनेस को दूर करेगा। इसको सिंपली आपको एक टैबलेट लेना है दिन के अंदर, और इससे आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी और जितने भी रिक्वायर्ड हमारी बॉडी के लिए विटामिन मिनरल्स होते हैं सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिलेंगे इस एक ही टैबलेट के अंदर। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है वो है गार्लिक पल्स। गार्लिक की प्रॉपर्टी होती है एंटी बैक्टीरियल। ये क्या करता है कि ब्लॉकेज को क्लियर करता है, इन्फ्लामेशन को क्लियर करता है, ताकि हम इजीली ब्रीथ कर पाए। इसके डोसेज की अगर मैं बात करूँ तो इसे खाली पेट लेना है और एक घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है। अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है आपकी तो ध्यान रखिएगा कि उस मेडिसिन को कंज्यूम करने के एक घंटे पहले ही गार्लिक पल लेनी है। इसके दो सॉफ्ट जेल्स आपको लेने हैं दिन में एक बार, और खाली पेट लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सप्लीमेंट है वो है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल के अंदर ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 क्या करता है, कफ को काटने का काम करता है, म्यूकस फॉर्मेशन को काटने का काम करता है, म्यूकस को फॉर्म नहीं होने देता। और अगर म्यूकस ऑलरेडी फॉर्म्ड है तो धीरे धीरे करके उस म्यूकस को ये गलाने का काम करता है, मेल्ट कर देता है, इससे हम इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से जो इनहेलर का यूज़ है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके डोसेज की बात करूँ तो आपको 3 कैप्सूल्स लेने हैं आफ्टर लंच और डिनर। नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो है नोनी जूस। नोनी जूस एक बहुत ही कमाल का सप्लीमेंट है। इसको संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। नोनी जूस जो है वो क्या करता है कि हमारे सेल्स को हेल्दी रखता है, और हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे तो हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे। और नोनी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसे हम ज़ेरोनाइन बोलते हैं। तो ज़ेरोनाइन क्या करता है कि हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता, हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो अस्थमा के कोई चांसेस ही नहीं होंगे, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी ही होती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसके अंदर ये जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ज़ेरोनाइन, ये सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होने नहीं देता है। सो ये चारों सप्लीमेंट्स इतने कमाल के हैं कि अगर आप इनको 6 मंथ्स तक आप यूज़ करेंगे तो आपको अपनी बॉडी के अंदर आपको फर्क नज़र आ जाएगा। आपको धीरे धीरे लगेगा कि मेरा अस्थमा ठीक हो रहा है, और साल भर के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो पंप है, अगर आप पंप ले रहे हैं तो वो पंप भी आपका छूट जाएगा। आज के वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो दिस इज़ भानुप्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।